टेंथ में हम लोगों ने टेंथ एनसीईआरटी बुक में 1.1 एक्सरसाइज मैंने आपको पूरी बता दी थी। अब आज आगे हम लोग चलते हैं, पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग 1.2 पढ़ेंगे। पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हैं कुछ, ठीक है। हम लोग ये सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जो संख्याएँ होती हैं उनको हम लोग जो है गुणे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप ये कुछ पिछली क्लासों में पढ़ चुके हो गुणनखंड की प्रमेय, ठीक है ना। जैसे ये आपका 253 जो है 11 × 23 का है, तो और कुछ अभाज्य संख्याएं जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 11 है और आपकी 19 है, ठीक है, वो नहीं लिखी इसमें। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 2 एक ऐसी केवल सम अभाज्य संख्या है, सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है, 1 को अभाज्य नहीं कहा जाता है। अभाज्य का ये होता है गुण कि एक तो खुद होना चाहिए और एक उसका गुणनखंड एक होना चाहिए, यानी दो अलग अलग प्रकार के गुणनखंड हो, खुद से कटे और एक से कटे। लेकिन 1 में ऐसा नहीं होता, इसलिए 1 को नहीं अभाज्य संख्या माना जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग इन सब में प्रेमिका के बाद ये जो प्रमेय वगैरह हैं छोटी सी, फिर उसके बाद हम लोगों को मेन इसमें मासा के लिए गुणनखंड करना सिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें, जैसे इसमें एक उदाहरण दिया गया कि अगर ये मल्टीप्लाई करके अभाज्य संख्याओं के हम लोग बनाएं तो ढेर सारा संग्रह बना सकते हैं, अनंत संख्याएं ऐसी बना सकते हैं। तो अब ऐसे गुणनखंड अगर हम लोगों के सामने आ जाएं इतने सारे, तो अब हम इन लोगों इन चीज़ों को कैसे पहचानेंगे किसके किसके गुण हैं, तो हम लोग उनके टुकड़े कैसे बनाएंगे, यानी गुणनखंड कैसे बनाएंगे, वो प्रक्रिया आपको इसमें सीखनी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर आपको जिक्र किया गया है इस जगह पर कि ये है एक गुणनखंड, अच्छा एक गुणनखंड वृक्ष समझाया गया आपको, ठीक है। यहाँ ऊपर आपको एक प्राकृतिक संख्या वर्ड ये दिया गया था, देखिए प्राकृतिक संख्या से क्या मतलब है, तो देखिए 1, 2, 3 .. आपका ये 9 तक, ये आपके नेचुरल नंबर है, ध्यान रखिए, जो चीज़ों को गिनने के काम आते हैं। और इसी में अगर हम 0 शामिल कर लें, 0, 1, 2 और ऐसे इसी तरीके से लेके कब तक, पूरे 9 तक, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं, क्या हैं, पूर्ण संख्याएं, ध्यान रहे। और वास्तविक संख्याओं में सब आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं में माइनस प्लस की सारी संख्याएं आ जाती हैं, और धन पूर्णांक कहा जाए तो सिर्फ प्लस वाली, ठीक है, प्लस 1 से लेके आपकी सारे, शून्य खुद में एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक जो हों पूरे वो सारे पूर्णांक में हो गए, ठीक है। ये आप अलग अलग ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। ये हैं पूर्ण संख्याएँ और ये हैं आपके ऊपर वाले नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्याएँ, इन्हीं को होल नंबर भी बोला जाता है, ध्यान रखें, होल नंबर या नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएँ। अच्छा अब आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं ज़रा कि कैसे हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड करना बिल्कुल आसान है, इसमें एक वृक्ष बनाया गया है आपको, फैक्टर ट्री, तो ये है कुछ नहीं, हम लोग जैसे छोटे क्लासों में हम लोग कर चुके हैं, छोटे क्लासों में जैसे हम लोग ऐसे लाइन खींच के इस तरीके से काटते थे ना, ये चीज़ पूरी वही लिखी हुई है और कुछ नया इसमें नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसमें 2 से काटिए, है ना, तो 2 × 2 और एक कैरी कर जाएगा, तो ये आपके पास 12 हो जाएगा, 2 × 6 = 12, और फिर 7 में 3 टाइम्स जाएगा, फिर उसके बाद 1 कैरी कट जाएगा, 8 हो जाएगा, और 0 में फिर 0 टाइम्स जाएगा, छोड़ना नहीं है, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं। फिर 2 से काट देंगे तो 2 × 8 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा, और ये 2 × 4 = 2 × 8 = 9 और उसके बाद 0 × 0, फिर 2 से करेंगे तो देखिए, अब यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, 2 × 4 = 8, 1 में 0 टाइम्स जाएगा, तो 0 ज़रूर लिखें, यहाँ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, डायरेक्ट 2 × 4 = 2 × 9 = 18 कर देते हैं, ये गलत होता है बिल्कुल, ठीक है, वहीं से क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है, इसलिए ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग काटते चले जाएंगे, लास्ट तक आपको सारे फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है ना। इस हर एक से हम लोग देख सकते हैं इसमें, ये इसमें सिर्फ पहले जिस डिजिट से कटता है। अच्छा, कुछ काटने के लिए आपको देखिए ट्रिक भी है, ट्रिक ये है, जब भी ध्यान रखिए आपके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो आप हमेशा 2 से काटेंगे, ठीक है। अगर 0 और 5 है तो कन्फर्म है कि वो 5 से ही डिवाइड होगा, किससे होगा, किससे डिवाइड होगा, इसको हमेशा 2 से डिवाइड करना, और इसको हमेशा आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक। ये एक आसान तरीका है, जल्दी से आपको शॉर्टकट, आपके छोटी क्लासों के लिए 2 ट्रिक बहुत अच्छी हैं, बस आप इसका ख्याल रखें लास्ट का डिजिट, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसी कारण यह कथन
अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहलाता है। अच्छा, कहाँ कथन था इस कथन में? इस प्रकार हमने त्रिभाजक गुणन खंडित किया है। और देखिए आपका इस जगह पर यह दिया गया है कि जो है, देखिए इस संख्या को तोड़ के लिखा गया तो ये आया पार्ट। अब आप इतनी बड़ी संख्या का तो नहीं कर पाओगे, आपको न दिया जाएगा कभी क्लास में कि इतने इतने बड़े टुकड़े बन जाएं। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा है, इससे हमें यह अनुमान या कंजक्चर प्राप्त होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तव में यह कथन सत्य है और पूर्णांकों के अध्ययन में या मूल रूप से ही अति महत्वपूर्ण है। इसी कारण इस कथन को हम लोग क्या कहते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अब आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम क्या है कि संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल और उनकी घातों के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, बस इतना सीधा सा है, इसके अलावा सिंपल और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको याद रहेगा, हमारे हिसाब से आप भूलेंगे नहीं। आइए आगे इसके हम लोग करते हैं। अब देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.2 क्या है, ठीक है, इसको समझते हैं ज़रा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है ना, मतलब आप आगे पीछे भी उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन कार्ल फ्रेडरिक गॉस की लिखी हुई है, जिनका जन्म 1770 से 1855 1877 से 1855 के बीच हुआ। तो देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले प्रमेय 1.2 का संभवतया सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड के एलिमेंट्स की पुस्तक 9th में साध्य 14 के रूप में हुआ था, परंतु इसकी सबसे पहले सही उपपत्ति कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्क्वींस अर्थमेटिकी में दी थी। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। अब देखिए थोड़े जनरल नॉलेज की बातें हैं ये, आपको बोरिंग भी लग रहा होगा, हो सकता है कि ये सब क्यों सर हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। इसी से आपका जीके जीएस थोड़ा होता है, माइंड में पड़े रहते हैं, तो आप कम से कम इनको कहीं आपको अचानक लिखा मिला या सुना तो आप बता सकते हैं। ठीक है, जुड़ी हुई बात, और जिसको नहीं सीखना है तो नहीं सीखना है। ठीक है, गणित तथा उनका नाम सभी समयकालों का 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिसमें से आर्किमिडीज न्यूटन भी शामिल थे। ठीक है, याद रहे फ्रेडरिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस और आपके न्यूटन और आर्किमिडीज, ये क्या थे, गणितज्ञ थे, 3 महान गणितज्ञ। अब आधे से ज़्यादा लोग न्यूटन और आर्किमिडीज को साइंटिस्ट या वैज्ञानिक मानते हैं, जबकि आपको इस पता होना चाहिए कि ये किस क्या हैं, गणितज्ञ हैं। आर्किमिडीज यहाँ पर तो इनका जिक्र यही किया गया है कि ये क्या है, आपके गणितज्ञ हैं, 3 महान गणितज्ञ में से इनकी श्रेणी में आते हैं। ये बात मुझे खुद नहीं पता थी, आज ही आपको पढ़ाकर मुझे भी पता चली कि ये गणितज्ञ थे। आर्किमिडीज तो मुझे पता था, लेकिन न्यूटन का मुझे फिजिक्स का ही मैं जानता था इनको, लेकिन गणितज्ञ भी थे ये साथ में। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है, ठीक है, कि प्रत्येक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं कि एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। वास्तव में यह और भी कुछ कहती है। ठीक है, आइए इसके आगे हम लोग करते हैं। एक अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जा सकता है, हाँ, यानी हर संख्या के जो फैक्टर बनेंगे वो अलग अलग ही बनेंगे, आपके एक जैसे नहीं बनेंगे, ये कहती है। ठीक है ना, व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या एक्स दी हुई है तो हम भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाए वो भाज्य संख्या होती है, जिसमें भाग ना जाए खुद से ही कटे या वन से कटे वो अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, अब इसको अगर गुणन के रूप में लिख दिया जाए तो क्या है, ये आपके फैक्टर ऐसे बनाकर लिख दिए इन्होंने, P1 P2 इस तरीके से गुणन। ठीक है, तो अर्थात P1 जो होगा छोटा होगा, P2 उससे बड़ा होगा, इस क्रम से फैक्टर होंगे। ये आगे पीछे भी आप लिख सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन सही तरीका यही है कि पहले छोटी से काटें, फिर और उससे बड़ी से, और उससे बड़ी, और उससे बड़ी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आपको ये करके दिखाया, पहले ये 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 ये, फिर इस तरीके से, और फिर जितनी पावर्स बन रही हैं उनको पावर को लिख लिया, क्योंकि ये घातें जो ऊपर होती हैं वो क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस करके जुड़ जाती हैं, तो 3 हो गई। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग छोटा सा, ठीक है, फिर हम लोग एक्सरसाइज कल करेंगे, अब आज थोड़ा सा एक एग्जांपल समझ लेते हैं, वीडियो बड़ा नहीं रखेंगे आज हम। ठीक है, देखिए क्या है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, अब ऐसा संभव है क्या कि ऐसा हो जाए, देखिए है ना,
अब देखिए इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ, आपको हो सकता है ना समझ में आया हो कि 4 की घात n है। अब n की जगह हम 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 की घात 2 यानी 4 चौके 16 आएगा। तो इस तरीके से इसके आंसर आएंगे आपके, ठीक है। n की जगह जब 1 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो 16, और 3 रखेंगे तो आपका 64, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि कोएन का ऐसा मान बताइए जिसके लिए आखिरी में जीरो में संख्या ख़त्म हो, ऐसी कोई संख्या होगी क्या, इस तरीके की कोई संख्या होगी क्या? तो आप खुद सोचिए, जो आपकी 4 की पावर n लिखा हुआ है, 4 की पावर n, इसमें कम से कम एक, भाई जो जीरो होता है वो हमेशा 2×5 का आंसर आता है, तब जीरो आता है। क्या इसका कोई भी फैक्टर, आप जानते हो 2 की घात 2 की घात n यानी आपका फाइनल बन जाएगा 2 की घात 2n, तो क्या संभव है ऐसा? क्या इसका कोई अभाज्य गुणनखंड 5 है बीच में? जब है नहीं तो इसमें यानी कभी जीरो बन ही नहीं सकता, आता है इनका कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है। बस यही आपको इसमें थ्योरी में समझाया गया, इसके अलावा इस क्वेश्चन में आप कुछ भी नहीं समझाया गया, ठीक है। यही आपको लॉजिक देना है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आप हो सकता है आसानी से कर लोगे एक्सरसाइज में जब आएंगे, ठीक है। और नीचे है आपका, इसको इतना ही रखते हैं, फिर लासा मासा अगली एग्जाम्पल बताएंगे आपको, एक्सरसाइज पूरी मैं कराऊंगा, ठीक है। इसमें इतना ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो फिर बोरियत आपको भी लगेगी।